बात यहां पर होने वाली है मदर्स एंड सुमी वायरिंग के मैनेजमेंट से। कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात होगी बिजनेस के ग्रोथ आउटलुक और विस्तार योजना पर। मिस्टर सहगल, बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अगर सबसे पहले मैं बात करूं, जो आपकी डीमर्ज्ड एंटिटी है उसका हम उसकी आय देखें, अगर CAGR अगर आय की बात करें तो करीब करीब 14% के आसपास रही है ये, 13-13.5% के ऊपर FY 10 से लेकर 21 के आसपास तक। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आने वाला समय है उसमें जो है ग्रोथ आप किस तरह की देखते हैं इस डीमर्ज्ड एंटिटी की, और किस तरह के आपने जो है टारगेट्स बना के रखे हैं ग्रोथ के लिए। ये कंपनी जो है पिछले 11 साल के अंदर में वायरिंग हार्नेस जो है करीब करीब 400% ऊपर गई है जो हम लोग का टर्नओवर है, पर गाड़ियों की ग्रोथ जो है वो खाली 40% हुई है। तो इसलिए कोरिलेट करना गाड़ियों के साथ में इतना सेंस नहीं देगा, पर ये है कि वायरिंग हार्नेस जितने भी आप स्केल के ऊपर बड़ी गाड़ियों में जाएंगे या इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जाएंगे या अलग अलग नई फ्यूल्स की गाड़ियों में जाएंगे तो वायरिंग हार्नेस का कंटेंट जो है वो उतना ही और रैपिडली ग्रो करता है। तो मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है वो विल डू वेरी वेल। करेक्ट मिस्टर सहगल, अगर आप ये बता सके कि कौन सा सेगमेंट आपके हिसाब से जो है वो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। हम देख रहे हैं कि जो ईवी का कंट्रीब्यूशन है जाहिर तौर पर वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये यहाँ से और बढ़ेगा ईवी सेगमेंट का? और अगर इस सवाल के साथ अगर मैं ये भी जोड़ सकूँ कि आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि जो अभी फिलहाल आपका जो कंट्रीब्यूशन है ईवी का वो कितना है और आगे किस तरह के टारगेट्स आप रखे हैं उसके लिए भी। देखिए, अभी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में थोड़ा सा आ गया है, पर जो दूसरे सेगमेंट से वहां पे ईवी अभी नहीं आया है उतने पूरे जोर शोर से। तो जैसे ये बढ़ेगा उतना हम लोग की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ज्यादा और बढ़िया होगी। अभी भी हम जो है 40% ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर में, तो उसके आगे जाते हुए और भी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। राइट मिस्टर सहगल, सुमितोमो वायरिंग सिस्टम्स जो है वो अब करीब 25% से कुछ ज्यादा हिस्सा होल्ड करेगी इस नई एंटिटी में। किस तरह के कमिटमेंट आपने दिए हैं यहां से आने वाले समय के लिए उस कंपनी को? देखिए, उनका कमिटमेंट जो है टेक्नोलॉजी पे है और ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और ग्लोबल उनकी जो आईपी है उसके ऊपर है, तो इस कंपनी को उसका सारा एडवांटेज मिलेगा। और उनके और जापानी अब हम यहाँ पे रहेंगे ताकि ये नई टेक्नोलॉजी जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करने से बड़े स्मूथली अपने जो हमारे OEMs है उनको बहुत बहुत सॉलिड कमिटमेंट है उनका। करेक्ट मिस्टर सहगल, जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री को हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशानियां हुई हैं इन्फ्लेशन की वजह से। धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कच्चे माल जो है वो महंगा होता जा रहा है। आपकी इंडस्ट्री के लिए कॉपर एक बड़ा कच्चा माल है, उसके दाम बहुत तेज़ी से हमने बढ़ते हुए देखे हैं पिछले कुछ समय से। मैं ये जानना चाहता था कि किस तरह आप इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है रॉ मटेरियल्स की, क्या आप कस्टमर को ये पास कर पा रहे हैं या आपके मार्जिन हिट हो रहे हैं, किस तरह आप टैकल कर रहे हैं सिचुएशन को? सर, ऐसा नहीं है, एकदम पास थ्रू है, ये कभी भी हम लोग अपने आप अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो जितना भी कॉपर का या कोई भी और रॉ मटेरियल का है वो कंप्लीटली पास थ्रू है कस्टमर को। ओके, ये जो वायरिंग सेगमेंट है यहाँ पर मिस्टर सहगल, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बेनिफिट है उसमें कंटेंट पर व्हीकल जो है उससे भी बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। आपको लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी कंपनी को, किस तरह ये आने वाले इस समय में पैन आउट हो सकता है? देखिए, आप इंक्रीज कंटेंट पर कार जो आप बात कर रहे हैं, ये कंपनी सिर्फ वायरिंग हार्नेस के ऊपर में फोकस रहेगी और वायरिंग हार्नेस की कंपोनेंट्स और वायर और जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर फोकस करेगी। तो इंक्रीज जो कंटेंट है वो सैमिल का नजरिया है,
इसके अंदर में कंप्लीट फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू एज मोबिलिटी और जो आईसीई इंजन है, जो भी इसके अंदर वो है, सबको पर फोकस करेगी। करेक्ट। एक काफी अच्छी बात जो दिखाई देती है जब हम डिटेल्स पढ़ते हैं, आंकड़े पढ़ते हैं कंपनी के बारे में, वो ये कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो काफी अच्छा रहा है, करीब 40% तक का रहा है इस वायरिंग बिजनेस में। मैं जानना चाहता हूं कि आगे आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके किस तरह के प्लान्स बनाए हैं। देखिए, मैंने आपको समझाया कि 40% कोविड टाइम्स के अंदर है, उससे पहले भी ज्यादा था, उससे पहले ज्यादा है, और अब जब जैसे ही नॉर्मलाइज होता जाएगा तो और बढ़ता जाएगा। तो रोज के ऊपर में कंपनी जो है हमेशा फोकस करती है कि रोज हर साल बढ़े। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनकी अपनी इंटरनल अक्रूवल्स इतनी सॉलिड है, और उसके ऊपर में फिर बाहर के जो मेथडोलॉजी है, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, अगर चाहिए होंगे तो हम हिचकिचाएंगे नहीं, वी विल डू इट। करेक्ट। यहाँ पर मिस्टर सहगल ये भी समझना चाहेंगे कि वायरिंग बिजनेस जो अब अलग हो गया, जो आपका रिमेनिंग बिजनेस है SAMIL के नाम से जो अब चल रहा है, उस पर क्या स्थिति है फिलहाल? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, क्या उसकी वजह से किसी तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं? ओवरसीज ऑपरेशंस जो आपके चलते हैं उन पर कोई इम्पैक्ट हुआ है? चिप शॉर्टेज एक पिछले कुछ दिनों से समस्या चल रही थी, उस पर फिलहाल अगर कोई अपडेट कोई आप बता सके सिचुएशन क्या है तो? प्रेजेंट सिचुएशन जो है सर्वाइवल मोड में है, सब चीज जैसे कि जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है गवर्नमेंट्स का ग्लोबली, तो उसके हिसाब से हम लोग वो कर रहे हैं। अभी बिजनेस जो है कुछ प्लांट्स हम लोग के काफी हद तक मध्यम या कम चल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से और महीना के अंदर में सब ठीक हो जाएगा, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और हम लोग की जो फोकस है वो हमेशा कॉस्ट डाउन पे है, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। हाल ही में आपने जो है बोइंग एरोस्पेस से जो है बोइंग से अपने एरोस्पेस डिवीजन के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, अगर आप उसकी कुछ डिटेल्स शेयर कर सके हमारे व्यूअर्स के साथ, किस तरह का ऑर्डर है, कितना बड़ा ऑर्डर है? तो डिटेल्स नहीं दे सकता, पर मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि पहली बार स्माइल को ये ऑर्डर मिला है आउटसाइड USA, द फर्स्ट कंपनी टू गेट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर एंड गेट अ सप्लायर कोड फ्रॉम बोइंग। सो इसकी बहुत महत्व है और फ्यूचर के अंदर में ये बढ़ता रहेगा और विल डू वेरी वेल। ओके सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आईटीना उस स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे चर्चा करने के लिए। विवेक चांद सहगल यहाँ पर बताते हुए आज की नई लिस्टिंग जो है उस पर बात हो रही थी। यहाँ पर हमने देखा वो स्टॉक करीब करीब 3 से 4% नीचे दिखाई दे रहा है मदर्सन सुमी वायरिंग का, लेकिन ब्रॉडली जिस तरह की बात वो कर रहे हैं कि जो ईवी बिजनेस है उसमें पिछले अगले कुछ समय में ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ है और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आगे बढ़ोतरी मिलेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो कोविड के समय में करीब 40% के आसपास था, ये आगे और बढ़ने की उम्मीद है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट अब जुड़ गए हैं। रवि, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर मदर्सन सुमी वायरिंग की बात हो रही है और लगातार जो है कंपनी का मैनेजमेंट काफी बुलिश दिख रहा है कि आने वाले समय में बेहतरीन जो है ग्रोथ कंपनी दिखा पाएगी। आप स्टडी कर पाए हैं, क्या व्यू बनता है स्टॉक पर आपका? जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं काफी हद तक मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि जो इस समय खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो इनकी सर्विसेज जो देंगे उसका काफी इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पूरी तरह से बहुचर्चित देखने को मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो जरूर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक नया माइलस्टोन यहां पर तय करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो जो अभी मदर्सन सुमी सॉफ्टवेयर का जो कंपनी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो प्रोजेक्ट है, उसका भी एक इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को यहां पर मिलता है और उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिटर्न यहां पर एक इन्वेस्टर को कमाने के लिए मौका है और इस इनके स्टॉक्स पे एक बार निवेश की रणनीति यहां पर बना सकते हैं।
रणनीति बन सकती है, लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूरी है। मदरसन सुमी वायरिंग पर यह है रवि का व्यू। बहुत शुक्रिया रवि समय निकालकर हमसे बात करने के लिए।